बेरसियर नगर पालिका सीएमओ राजेश सक्सेना की बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका अमले और पुलिस बल को साथ लेकर सोमवार को दोपहर में बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स के आसपास से ठेले वालों और अस्थायी दुकान वालों को हटाया। ठेले वालों को मंडी कॉम्प्लेक्स के सामने पेवर ब्लॉक युक्त फुटपाथ पर किया गया शिफ्ट। कई बार समझाइश और मुनादी कराने के बाद भी बस स्टैंड से नहीं हटने पर मजबूरन कार्रवाई की गई। किसी भी ठेले वाले के सामान का नुकसान किए बिना नसीहत देने के साथ कुछ सामान जब्त किया। नगर को स्वच्छ और ट्रैफिक जाम फ्री बनाने में जुटे नए सीएमओ नगर पालिका सीएमओ राजेश सक्सेना। तो बाकी ये भर लो, नुकसान किसी का नहीं हो, लेकिन बहुत समझाइश दे दी और अपन ने आज मुनादी भी करवा दी, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, मजबूरन चरानी कार्रवाई और जब्ती कार्रवाई करना पड़ रही है। रोज बोल रहा हूँ मैं इससे, वो समझा रहा हूँ मैं इसको यार, अधिक की गाड़ी एक भी दिख जाए ना 500 रुपए भी दिख जाए मुझे रोड पे आराम की बात तो समझ ही नहीं रहा हूँ ना यार। तुम्हें मैंने मुनादी करवाई, उसके बाद तुम लोग नहीं हटे। तो ये बेरसिया में जो आप अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगी और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताएं। मैं विगत 15 दिन से इस अतिक्रमण कार्रवाई में निरंतर अपने सफाई कामगार, मेरे स्टाफ के जितने भी सहकर्मी हैं सबके साथ निरंतर जारी रख रहा हूं, समझाइश दे रहा हूं। उसके बावजूद भी ये ठेले फल फ्रूट वाले आदि लोग नहीं मान रहे हैं। मैंने इनको एक व्यवस्थित स्थान पे सेट करने का सोचा है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। सब दुकानों के आगे खड़े होते हैं, दुकानों के दुकानदार नहीं दिखती दुकान उनकी के अंदर, किस दुकान किस काम की है ये। कई बार समझाइश, आज मैंने सुबह, आज 30 तारीख को मैंने 12 बजे से 1 बजे तक पूरे बस स्टैंड क्षेत्र में मुनादी के माध्यम से इनको सूचित किया कि 2 बजे हम हमारे पूरे दल बल के साथ आपको हटाएंगे और एक जगह व्यवस्थित करेंगे। मंडी कॉम्प्लेक्स के आगे जो फुटपाथ बना है, उस फुटपाथ पे मैं एक फूड जोन बनाने का मेरा ड्रीम है कि फूड जोन बने, कि पूरे जितने भी फल विक्रेता हैं एक लाइन से खड़े हों। लेकिन ये कुछ लोग मुझे सहयोग नहीं करना चाह रहे, ठेले वाले, मैं इनको हटाता हूँ और ये वापिस आ जाते हैं। ये चेतावनी देना चाहिए, उनको मैंने बोला है कि निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी और यदि आप नहीं मानते हैं तो हम चालानी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे। हमारा पूरा स्टाफ सब हमारे साथ में है और ये चालानी कार्रवाई निरंतर, जब तक ये नहीं मानेंगे, एक लाइन से मंडी कॉम्प्लेक्स के फुटपाथ पे नहीं खड़े होंगे, तब तक के लिए चालानी कार्रवाई निरंतर। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।